बीजिंग चीन की पहली प्रायोगिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला के 31 मार्च और 4 अप्रैल के बीच पृथ्वी पर गिरने की संभावना है। साथ ही इसके वायुमंडल में नष्ट होने की संभावना भी है। चीन के मानवयुक्त अंतरिक्ष इंजीनियरिंग कार्यालय द्वारा कल जारी एक बयान के अनुसार तियांगोंग 1 मार्च को आधिकारिक रूप से डेटा भेजना बंद कर दिया और वे अपने जीवन के अंतिम चरण में है। तियांगोंग या हेविनली पैलेस करीब 216.2 किलोमीटर की औसत ऊंचाई पर अंतरिक्ष की कक्षा में स्थापित है। बीजिंग के एरोस्पेस कंट्रोल सेंटर और अन्य एजेंसी के अनुमानों के मुताबिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला के 31 मार्च और 4 अप्रैल के बीच वायुमंडल में प्रवेश करने की संभावना है। इसने शेंझो-8, शेंझो-19 और शेंझो-10 अंतरिक्ष यान के साथ सफलतापूर्वक काम किया और कई प्रयोग किए।